नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है नमन। आप देख रहे हैं एंड्रॉइड और हमारे पास आ चुका है एक ऐसा स्मार्टफोन जिसको मोटो बोल रहा है ये अटके नहीं हटके फोन है। जी हाँ, ये है मोटो E13। अब इस फोन को मोटो हटके फोन क्यों बोल रहा है, इसके कुछ रीजन में सबसे प्राइमरी जो रीजन मुझे लगा वो ये है कि इस प्राइस सेगमेंट में मोस्टली स्मार्टफोन काफी ज्यादा एवरेज चिपसेट के साथ आते हैं। वैसे ये फोन 10,000 रुपए के अंदर होने वाला है, काफी अंदर। यहाँ पे मोस्टली स्मार्टफोन में मीडियाटेक का हीलियो G35, 37, एक्सिनोस 850, इवन कुछ फोन तो A22 के साथ भी लॉन्च किए गए थे। परंतु इस वाले स्मार्टफोन में है यूनिएसओसी का T606 चिपसेट, 12 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। ये एक ऑक्टाकोर चिपसेट है, बाकी LPDDR4X रैम है। स्टोरेज टाइप हालांकि eMMC ही मिलेगा इस प्राइस पे। अब मैं भी आपको याद होगा कि यूनिएसओसी T700 चिपसेट हमने मोटो E40 में यूज किया था और अंडर 10 के प्राइस सेगमेंट में उसकी परफॉर्मेंस बहुत कमाल की थी। हालांकि ये उससे थोड़ा सा लोअर वेरिएंट है, बट नॉर्मल यूसेस में, बेसिक टास्क में ये वाला फोन भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऐप ओपनिंग क्लोजिंग और नॉर्मल टास्क में। जाहिर सी बात है ये एक बजट वाला स्मार्टफोन होने वाला है। इसकी प्राइसिंग एंड ऑफर्स के पहले आपको इसके कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बताना चाहूंगा और साथ ही आपको ये भी बोलना चाहूंगा कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। अब इस स्मार्टफोन में कुछ ऐसे फीचर्स भी मिल जाते हैं जो कि इस प्राइस कैटेगरी से लुप्त हो चुके हैं बाकी ब्रांड्स की तरफ से। जैसे इसमें टाइप सी पोर्ट मिलता है, मोस्टली ब्रांड्स यहां पे माइक्रो एसबी ही देती हैं। डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट मिलता है, 5GHz वाईफाई बैंड भी सपोर्टेड है इसमें। और इसकी बिल्ड जो है वो IP52 वाटर रिपेलेंट डिजाइन के साथ आती है, पानी की छींटें स्प्लैशेस उसे झेल सकता है। वैसे इस वाले स्मार्टफोन का जो स्टोरेज कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा सा मतलब अलग लगा मुझे। जनरली आपने देखा होगा 332GB 464GB ऐसा, बट यहाँ पे दो वेरिएंट है, 2GB रैम और 4GB रैम, परंतु स्टोरेज दोनों में 64GB की मिलती है। तो प्रैक्टिकली इस प्राइस पॉइंट पे मतलब 264GB भी बेटर लग रहा है 332 से। वैसे इस पे मैं आपके विचार भी जानना चाहूंगा। वैसे मेरे पास 4GB रैम वेरिएंट है इसका। बाकी इस प्राइस से आपसे देखते हैं तो इसका डिजाइन भी काफी अच्छा लगा। इसमें भी मोटो ने PMMA मटेरियल को यूज किया हुआ है जिसको मोटो एक्रिलिक ग्लास बोलते हैं। वैसे ये पॉलीकार्बोनेट ही है बट ये मैट फिनिश साथ आता है, हल्का सा बॉक्सी डिजाइन साथ आता है। ये पीछे सिंगल कैमरा है, उसकी बात आगे करेंगे। 5000mAh बैटरी के साथ भी डिवाइस का जो वेट है वो बहुत भारी नहीं है, 181 ग्राम का है ये। अब पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि मोटो ने अपने स्मार्टफोन्स के डिजाइन में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है, एकदम ड्रास्टिक वाला चेंज। फिर चाहे हम बात करते हैं मोटो S30 फ्यूजन की या फिर बजट में मोटो G52 की। अब मोस्टली प्राइस कैटेगरी में इनके फोन बल्कि नहीं आते, स्लिम एंड लाइट आते हैं पहले के कंपैरिजन में। बाकी ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिल जाता है, माइक्रो एसडी कार्ड आप लगा सकते हैं, हेडफोन जैक भी है। वैसे एक बात नोटिस करी कि इसका जो वॉल्यूम एंड पावर की है ना वो नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा ऊपर है यहाँ पे। ओ भाई, अनबॉक्सिंग तो दिखाया नहीं। वैसे इसके डिब्बे में समस्त सामग्रियां उपलब्ध है, फोन भी है, बैक केस भी है, 10 वॉट का अडैप्टर भी है, टाइप ए टू टाइप सी केबल भी है, सिम निकालने वाला यंत्र भी है। साथ ही इस फोन में 6.55 इंच की HD+ IPS LCD डिस्प्ले मिलती है। बेसिक सा फोन है तो आउटडोर ब्राइटनेस ऐसे बहुत ज्यादा नहीं है, ओके बोल सकते हैं। साथ ही बजट फोन्स में ये नॉच एंड चिन थोड़ा सा नोटिस होती है। प्राइस के हिसाब से डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी है, नॉर्मली वीडियोस मूवीज ये सब देखेंगे तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा डिस्प्ले के साइड से। साथ में मोटो के कुछ फीचर्स है ना, जैसे ये एम्बिएंट डिस्प्ले वाला फीचर मिलता है, और सेटिंग्स में डिस्प्ले में जाएंगे ना तो यहाँ पे नाइट लाइट वाला फीचर मिल जाता है, ये थोड़ा सा ब्लू लाइट को फिल्टर कर देता है। हालांकि डिस्प्ले में एक चीज मैं नोटिस करी कि इस वाले पार्ट में ना डिस्प्ले में हल्का सा एक येलो टिंट सा दिखता है किसी किसी एंगल से व्हाइट स्क्रीन पे। इनफैक्ट यहाँ पे 3 फिंगर स्क्रीनशॉट और मोटो का बहुत चर्चित चॉप चॉप टॉर्च ये भी दिया गया है। पीछे सिंगल कैमरा मिल जाता है 13 MP का, तो कोई भी फालतू के यूजलेस कैमरा सेंसर्स नहीं लगाए गए हैं, थैंक यू मोटो। और फ्रंट कैमरा है 5 MP का। अब इस प्राइस में जो कैमरा होता है वो बेसिक ही मिलता है, यहाँ पे कुछ सैंपल्स आप देख सकते हैं फ्रंट एंड रियर कैमरा के। हालांकि कैमरा में सॉफ्टवेयर फीचर्स उपलब्ध हैं, जैसे फ्रंट एंड रियर दोनों ही कैमरा से आप पोर्ट्रेट मोड में इमेज क्लिक कर सकते हैं। रियर कैमरा में नाइट विजन भी मिलता है, प्रो मोड भी है पैनोरामा और QR कोड स्कैन करने का, वीडियोज आप 1080p 30fps तक शूट कर सकते हैं फ्रंट रियर दोनों कैमरा से, और टाइम लैप्स का फीचर मिलता है। और ये वीडियो इसी के फ्रंट कैमरा से शूट हो रही है तो कुछ इस टाइप की क्वालिटी आपको मिलेगी इसके कैमरा से। अच्छा, मुझे लगा कि इस वाले स्मार्टफोन को मे बी कुछ स्टूडेंट्स भी यूज कर सकते हैं, काफी बजट फ्रेंडली डिवाइस है और COVID-19 के बाद ई लर्निंग और ये सब चीजें काफी लोकप्रिय हो चुकी हैं। तो इसका कैमरा स्कैनिंग एंड ऑल कैसे करेगा, नॉर्मल डॉक्यूमेंट ऐसे स्कैन करते हैं तो चेक करते हैं, काफी सही है, क्लियर है, काफी छोटे टेक्स्ट लिखे हैं यहाँ पे बट आप क्लियरली यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और इसमें सिंगल स्पीकर है और ये डॉल्बी एटमॉस को भी सपोर्ट करता है फोन। साउंड की लाउडनेस और क्वालिटी काफी सही लग रही है, बाकी ये FM रेडियो भी है। वैसे मेरा एक प्रश्न है आपसे, क्या आप अभी भी FM रेडियो यूज करते हैं, सुनते हैं? सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है, क्योंकि ये वाला स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 गो एडिशन के साथ आता है। साथ ही मोटो ने बताया है कि इसमें 2 वर्षों का सिक्योरिटी पैच अपडेट भी मिलेगा। अब एंड्रॉइड का गो एडिशन बजट वाले स्मार्टफोन में देना एक सही डिसीजन लगता है मुझे, क्योंकि एंड्रॉइड गो एडिशन इस प्राइस कैटेगरी में जो हार्डवेयर कॉम्बिनेशन आता है उस पर ज्यादा सूट करता है, क्योंकि गो एडिशन का जो कोड होता है वो नॉर्मल
जो मेन एंड्रॉइड है उसकी अपेक्षा काफी लाइट होता है। अच्छा, जब मैंने इस वाले स्मार्टफोन को बूट किया ना, तो कुछ प्री इंस्टॉल्ड थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी मुझे यहाँ पे दिखे। वैसे तो आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं इन्हें, बट 4-5 एप्लीकेशन मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं। हालांकि मोटो के फोन में अभी भी UI में कोई भी एड्स नहीं मिलते, तो क्लीन एक्सपीरियंस इसमें भी मिलेगा। वैसे आप मोटो E13 के प्राइसिंग एंड ऑफर्स की बात करते हैं थोड़ा एक सरप्राइज लोकेशन से, चलिए तो आ गए हम फिलहाल सरप्राइज लोकेशन पे। ये मेरा गांव है। तो मोटो E13 की प्राइसिंग एंड अवेलेबिलिटी की बात करते हैं, तो ऑनलाइन आप मोटोरोला की ऑफिशियल वेबसाइट और फ्लिपकार्ट से इसे परचेस कर सकते हैं, साथ ही जियो मार्ट की वेबसाइट से भी परचेस कर सकते हैं। साथ ही अगर आप इसे एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो जियो मार्ट के ऑफलाइन स्टोर भी विजिट कर सकते हैं, और साथ ही माई जियो स्टोर पे भी ये वाला स्मार्टफोन अवेलेबल रहेगा। अगर प्राइसिंग की बात करते हैं तो 2GB 64GB वेरियंट का प्राइस रखा है 6999 और 4GB 64GB का प्राइस है 7999। लेकिन इसके अलावा भी कुछ एक्साइटिंग ऑफर्स मिल सकते हैं। अगर आप एग्जिस्टिंग जियो यूजर हैं या फिर आप नए जियो यूजर बनते हैं तब भी आपको फ्लैट 700 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। और इसके बाद इस वाले फोन की प्राइसिंग हो जाएगी 2GB 64GB की 6299 और 4GB 64GB की 7299 रुपए। हालांकि इस वाले ऑफर में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। फोन लेने के विद इन 15 डेज आपको इसे एक्टिवेट करना पड़ेगा, और दूसरी टर्म है कि आपको प्राइमरी सिम में जियो की सिम यूज करनी है, वो भी 30 मंथ्स के लिए। तो अगर आप जियो की सिम यूज करते हैं या फिर यूज करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में ये वाला फोन आपको थोड़ा और बेटर ऑफर के साथ मिल सकता है। इतना ही नहीं, आपको 50 रुपए वर्थ के 40 कैशबैक जियो वाउचर्स भी मिलेंगे। साथ ही जियो यूजर्स के लिए 500 रुपए का मिंत्रा गिफ्ट वाउचर भी दिया जाएगा। तो भाई इस प्राइस में ये ऑफर्स के साथ मोटो E13 एक हटके परफॉर्मेंस, हटके स्टाइल और हटके एंटरटेनमेंट वाला स्मार्टफोन बन जाता है। बाकी मोटो E13 के बारे में आपका क्या कहना है आप कॉमेंट करके बता सकते हैं, और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।